साफ सुथरे और सुंदर पैर किसे नहीं अच्छे लगते, और जब बात हो पार्लर ना जाने की तब क्या करें। एंड इन दिस लॉकडाउन सीजन तो इट बिकेम वेरी वेरी रिस्की। इनफैक्ट पैरों में टायर्डनेस एंड टैनिंग की प्रॉब्लम हम लेडीज को ही सबसे ज्यादा होती है। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ अपना फुट केयर सीक्रेट, और इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बिना पार्लर गए मुझे पार्लर जैसी चमक कैसे मिलती है पैरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my YouTube channel to watch all the latest videos and make sure you have click on the bell icon so that you will never miss any update. ये पूरी प्रोसेस आपके पैरों की थकान टायर्डनेस तो दूर करती है, पैरों को साफ और सुंदर भी बनाती है एंड आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो सबसे पहले मैं रिमूव कर रही हूँ पैरों का ये नेल पेंट, और मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का नेल इनामल रिमूवर एंड मैं यूज कर रही हूँ कॉटन एंड इसकी हेल्प से मैं नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। नेल पेंट रिमूव करने के बाद में मैं यूज कर रही हूँ बोरो प्लस एज अ क्यूटिकल क्रीम, एंड बिलीव मी ये बहुत सिंपल एंड नेचुरल तरीका है क्यूटिकल्स को इजिली रिमूव करने का। ऑल्सो आपके नेल्स को स्ट्रेंथ भी मिलती है एंड बहुत ज्यादा स्मूथली आप मैनिक्योर पैडिक्योर कर पाते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको बोरो प्लस को नेल्स के कॉर्नर्स पे, साइड्स पे एंड जहां जहां पर आपको फील हो रहा है वहां पर आप इसे अप्लाई करो। एंड किसी भी तरह का टब आप ले सकते हो, आप देख सकते हो मैंने अनिका का ही टब ले लिया। उसमें आपको थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म मतलब कुनकुना टाइप का पानी आपको उसमें डालना है। नो इसमें मैं आप डाल रही हूँ नायका का ये शावर जेल। आप चाहो तो कोई और शावर जेल या फिर बॉडी शैम्पू या फिर कोई और भी शैम्पू डाल सकते हो उसमें। बेसिकली आपको फोम क्रिएट करना है, थोड़ा सा सोपी फोम होना चाहिए। देन इसके बाद में आप पैरों को डिप करके रखिए 5 मिनट के लिए। सो बेसिकली आपको आपके पैरों को इस पानी में सोक करके रखना है। अगर आपके पैर में ज्यादा टैनिंग है तो आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं अपने नेल्स को क्लीन करने के लिए, क्यूटिकल क्रीम को क्लीन करने के लिए यूज कर रही हूँ बेबी ब्रश, और ये सारे टूल्स आपको घर में ही पड़े मिल जाएंगे। अगर आपके पास में कोई और सेपरेट फुट क्लीनिंग ब्रश है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नेल्स के अराउंड जो आपने क्रीम लगाई थी उसे रिमूव करना है रब करते हुए। इसके बाद पैरों को पानी में डिप करके यानी कि नॉर्मल क्लीन करके आप फुट स्क्रब करना स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जेंटल स्क्रब करने के लिए आप इस तरह का कोई भी फुट स्क्रबर ले सकते हैं, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दिस वन इज फ्रॉम वेगा, काफ़ी अच्छा होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर है। तो इसका यूज़ कर रही हूँ मैं अपने पैरों की जो डेड स्किन है ना उसे रिमूव करने के लिए। बहुत ही जेंटली आपको ये फुट क्लीनर यूज़ करना है एंड देन उसके बाद में आपको आपके फुट को कुछ इस तरीके से मसाज देना है। फुट को मसाज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से अगर आप मसाज देते हो तो आपको इंस्टेंट बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ना मैंने लिया है ये नेल फाइलर, और ये मैंने शीन से परचेज किया था। ये बहुत अमेजिंग नेल फाइलर है, इसमें आपको फाइलर भी मिलता है, क्यूटिकल क्लीनर भी मिलता है। तो इस तरीके से मैं जो क्यूटिकल्स हैं नेल्स के अराउंड, जो डेड स्किन है हमारी, जो रफ स्किन हो जाती है ना, उसे रिमूव कर रही हूँ बहुत ही जेंटली, धीरे धीरे आराम से। आपको रिमूव करना है इनसाइड एंड साइड एंड कॉर्नर एंड एजेस पे से आपको क्यूटिकल्स हटाने हैं। देन इसके बाद में नेल कटर या फिर नेल फाइलर जो भी आप यूज़ करना चाहो उससे अपने नेल्स को शेप अप कर सकते हो। आपका जो भी आप शेप चाहते हो नेल्स का वैसा शेप दे सकते हो। नेल्स कट करने के पहले मैं यूज कर रही हूँ एमकेफिन का यह बॉडी स्क्रब, ये कॉफी बॉडी स्क्रब है, बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका इस्तेमाल करूंगी मैं। इससे मेरे पैरों को बहुत ज्यादा शाइन मिलेगी और बहुत रेडिएंट दिखेंगे मेरे पैर। तो इतना थोड़ा सा मैंने ये स्क्रबर लिया, पाउडर फॉर्म में मिलता है, आप इसे ऑयल के साथ में भी यूज कर सकते हो एंड डायरेक्टली पानी में भी यूज कर सकते हो। तो धीरे धीरे जेंटली मैं मसाज करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं मसाज करना है, बहुत लाइट स्मूथली मसाज करना है, और मसाज करने के बाद में इसे वॉशअप कर लेना है। नौ मैं नेल कटर की हेल्प से अपने पैरों के जो नेल्स हैं उसे ट्रिम कर रही हूँ। लेंथ काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही थी तो मैं थोड़ा सा ट्रिम करूँगी। ऑलरेडी मैंने ओवल शेप दे रखा है नेल्स को, सो मैं कुछ और चेंजेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ट्रिम कर रही हूँ। इसके बाद सेम नेल फाइलर की हेल्प से मैं अपने नेल्स की एजेस को फाइल कर रही हूँ। इसके बाद टॉवल की हेल्प से आप पैर को वाइप कर लीजिए, क्योंकि अब हम लगाने वाले हैं टैन रिमूविंग पैक का। सो इस पैक को प्रिपेयर करने के लिए हम ले रहे हैं 2 टीस्पून राइस फ्लोर, 1/4 टीस्पून हनी एंड 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और इसे हम मिक्स करेंगे एंड फाइन पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ना अब इस पैक को आपको पैरों पे लगाना है और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। इसके बाद अगेन आपको ल्यूकवॉर्म वाटर में पैरों को डिप करना है, जेंटली मसाज करते हुए इस पैक को रिमूव करना है, देन इसके बाद में वॉशअप कर लेना है। सो आप देख रहे हो कि अभी कितनी ज़्यादा रेडियंट दिख रही है पैरों की स्किन, कितनी ज़्यादा क्लीन एंड स्मूथ दिख रही है। सो इसे क्लीन करने के बाद में वाइप कर लीजिए टॉवल की हेल्प से, और अब हम लगाने वाले हैं ब्यूटी वर्क्स की ये फूड स्पा क्रीम। एंड इस तरीके से आपको इतनी क्रीम लेनी है एंड पैरों पर मसाज करना है। सो अब आ गए हैं हम फाइनल स्टेप पे, एंड नेल्स को थोड़ा शाइनी लुक देने के लिए मैं कलर शो का ये ट्रांसपेरेंट टॉप कोट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई और नेल पेंट लगा सकते हो, बट बेस कोट लगाना मत भूलिएगा।
सो हियर आई एम डन। देखा कितना इजी था घर पे ये फूड स्पा करना, एंड ये देखने में इतना रिलैक्सिंग लग रहा है, तो करने पे कितना ज्यादा आपको रिलैक्स फील कराएगा। तो चलिए देर की इस बात की तैयारी कर लीजिए फूड स्पा की, एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो हेल्पफुल जरूर लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।